दो महीने में कैटल फील्ड के दाम 30% तक बढ़े हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं सभी के भाव में उछाल देखने को मिला है। दो महीने में गेहूं के दाम 18 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 26 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं, जबकि बाजरा 17 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 21 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है। पिछले दो महीने में चिकन के भाव में 15 से 20% की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में दूध के दाम करीब 5% तक बढ़े हैं, जबकि अंडे की भी लागत बढ़ी गई है। थोक भाव 4 से बढ़कर 5 रुपये पर पहुंची है। रूस यूक्रेन के बीच जंग से गेहूं, मक्का के दाम में उछाल आया है। ब्लैक सी से कई कम्युनिटीज़ की सप्लाई प्रभावित भी हुई है। पूरी दुनिया में गेहूं, सोयाबीन, मक्का के दाम बढ़े हैं और घरेलू मार्केट में भी सप्लाई कम रही है और डिमांड ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।